ये एक सवाल था, अभी आप थोड़ी देर पहले भी आपने दिया था, इफ फेट इज ऑलरेडी रिटन देन कैन दुआ हाउ कैन दुआ चेंज इट। फेट इज रिटन, तो फिर वो दुआ भी फेट में लिखी होगी ना, आप कैसे समझ रहे हैं? ये चीजें नहीं लिखी होती फेट में, तो इसका मतलब है दुआ चेंज नहीं करती इसका फिर। मतलब है कि देखें, हजरत उमर की दुआ से समझ आ रही थी। हजरत उमर कहते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दुआ मांगने की तौफीक दी, इसका मतलब है कि दुआ। और सूरह बकरा की आयत है कि तुम तब तक चाह ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। ठीक है, सो मैं इससे ज्यादा लंबा आंसर नहीं दे रहा हूं। ये बहुत शौक है पाकिस्तानी इंडियंस मुसलमानों को कजा कदर के ऊपर बहस का, आसान करके बता रहा हूं। अगर नबी दुनिया में नसीहत और तलकीन के लिए आए हैं और अल्लाह ने कह दिया कि जन्नत सस्ती नहीं है, तो मामला हमारे हाथ में है कुछ ना कुछ। ठीक है, बस इतना बस समझ लीजिए, वरना सवाल जवाब की सेंस आप खुद बताएं, अंबिया की सेंस नहीं बनती। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू में बताया कि क्यामत वाले दिन सबसे वही चार सवाल हो रहे होंगे, बस आप वो गूगल करें आप।